हेमवंती नंदन बोगरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप तमाम स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, जो पेपर आपका सिलेबस है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन आपके अंतर्गत है, क्योंकि ध्यान देने स्टूडेंट जो हेमवंती नंदन बोगरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है सीयूटी पीजी के अंतर्गत इस बार देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो में इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया था और इसका लाइव प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होगा कि सर जब हेमवंती नंदन बोगरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के अंतर्गत नहीं है तो इसका पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, और ऑलरेडी काफी वीडियो में सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था जिसमें मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था पेपर सेकंड में, जिसमें था स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आर्ट्स ऑब्लिक साइंस ऑब्लिक कॉमर्स क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट, तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन है, तो ध्यान देना स्टूडेंट अगर आप अपेयरिंग में है, कहने का मतलब है हेमवंती नंदन बोगरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सिक्स सेमेस्टर का पेपर देने वाला है या सिद्धेश सुमन में फाइनल ईयर का पेपर देने वाले हैं, देन आप इस फॉर्म के लिए अपेयरिंग में भी एलिजिबल हो। ध्यान देने स्टूडेंट आपकी जो परसेंटेज है फाइनल ईयर में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये जिन स्टूडेंट का फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है यूजी में, अगर उनके ओबीसी की कैटेगरी है, अगर उनकी परसेंटेज 45 है, 45 से प्लस है, देन वो एलिजिबल है। अगर उनकी कैटेगरी जनरल है और उनकी परसेंटेज 50 या 50 प्लस से है, देन वो एलिजिबल है। इन केस अगर आपके परसेंटेज यूजी में इतने नहीं है स्टूडेंट, पीजी में आप कितने परसेंटेज है, देन आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एससी एसटी में भी सेम 45 परसेंटेज आपके रहने वाले हैं यूजी में। आई होप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो चुका होगा। सिलेबस के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, 400 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था जनरल नॉलेज एंड जनरल हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा मैं पेपर का प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पेपर होता है स्टूडेंट जनरल नॉलेज एंड जनरल हिंदी का, फिर सेकंड पेपर होता है जनरल इंग्लिश का। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट ये पेपर आपको प्रोवाइड हुए, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन और अपडेट आपको प्रोवाइड हो, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता दिया था कि 2 साल से मुझे बीएड का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मैंने 2 साल से लगातार ग्रुप बना के आ रहा हूँ, तो इस बार भी 2024 में आपकी प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है। स्टूडेंट 125 मेंबर्स में जुड़ चुके हैं और आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट इसका प्रीव्यू, सारा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर PYQ है जो मैंने इस ग्रुप में प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख भी सकते हैं स्टूडेंट। इसके साथ साथ आपको हर अपडेट प्रोवाइड होगा, नोट्स प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट, सीटेट यूटेट से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर हर अपडेट आपको प्रोवाइड होने वाले, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही ग्रुप रहने वाले स्टूडेंट, और शुल्क आप देख सकते हैं मात्र 99 रुपये इसका शुल्क मैंने रखा है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा कि पहला पेपर आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल लैंग्वेज का होता है, चॉइस आपकी है जनरल हिंदी आप रख सकते हैं, जनरल इंग्लिश आप रख सकते हैं, जैसे आप पेपर यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट। पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल हिंदी, अगर आप जनरल हिंदी नहीं रखोगे तो जनरल इंग्लिश का पेपर आपको प्रोवाइड होगा। आप यहाँ पे सेकंड जो सिलेबस आप देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपके सब्जेक्टिव हो गए, अगर आपने BSc की होगी तो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट साइंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्ट्स वाले हैं स्पेसिफिक टेस्ट आर्ट्स वाला पेपर उनके लिए होगा, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट देख सकते हैं किस तरीके से उनके पास पेपर आता है। और जो सेकंड पेपर ध्यान देने स्टूडेंट, ये आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड होता है, चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही चीज़ें मैं कह रहा था स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है, आपको PYQ तो मिलेंगे नोट्स भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होने वाली है, आपको हर अपडेट प्रोवाइड करेंगे, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी मैंने कहा है स्टूडेंट अपडेट विद नब्बू के अलावा आपको उत्तराखंड बीएड का अपडेट कोई प्रोवाइड नहीं करता है, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट, अगर ग्रुप में कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट है स्टूडेंट। नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।